डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 प्लस 1 का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी है 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 दैट इज डिविजिबल बाय 24 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। अब इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है, फॉर n इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 7 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1 माइनस 5। नाउ 7 रेज़ टू पावर 1 दैट इज 7, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 5। अब ये इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 14 प्लस 15 माइनस 5 दैट इज 29 माइनस 5, ये आपका आ जाएगा 24। नाउ दिस 24 that is divisible by 24, so that is divisible by 24, so this P1 that is 5. अब second step है, for n is equal to k, जहां पर n है वहां पर हम k put कर देंगे, तो यह आ जाएगा 2 into 7 की पावर k प्लस 3 into 5 की पावर k माइनस 5। इसको हम लिख लेंगे, दैट इज बिकॉज दिस इज डिविजिबल बाय 24, तो हम इसको लिख देंगे 24 लैम्डा। लैम्डा इज एनी कॉन्स्टेंट, स्केलर कॉन्स्टेंट। नाउ यहां से हम 2 into 7 की पावर k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 2 इंटू 7 की पावर k दैट इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स इस साइड पर जाएंगी, 24 लैम्डा माइनस 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 5। अब इसमें हम थर्ड स्टेप ले लेते हैं, थर्ड स्टेप है आपका, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यहां पर हमें इसको वेरीफाई करना है, तो यहां पर जहां पर n है वहां पर हम k की n की जगह पर लिख देंगे k प्लस 1, तो यहां पर ये स्टेप होगा 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि दैट इज डिविजिबल बाय 24। अब जैसे यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x की पावर a प्लस बी, इसको हम अगर अलग अलग करते हैं तो इस तरह से लिखेंगे x की पावर a इंटू x की पावर b। तो यहां पर इस स्टेटमेंट में जो पावर है वो 7 के साथ है, 2 के साथ नहीं है, तो हम यहां पर 7 की पावर k प्लस 1 को लिखेंगे इस तरह से, 2 इंटू 7 की पावर k इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 की पावर k इंटू 5। हमने यहां पर 7 की पावर k प्लस 1 को ब्रेक करके लिख दिया 7 की पावर k इंटू 7 प्लस यहां से 5 की पावर k प्लस 1 को ब्रेक करके लिख दिया 5 की पावर k इंटू 5 माइनस 5। अब यहां से हम इस टर्म की वैल्यू 2 इंटू 7 की पावर k जो हमने यहां पर सेकंड स्टेप से वैल्यू निकाली है, ये इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 24 लैम्डा माइनस 3 इंटू 5 की पावर के प्लस 5, ये टर्म ब्रैकेट में और बाहर ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहां पर आ जाएगा 3 और 5 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा 15 इंटू 5 की पावर के माइनस 5। अब ये दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम 24 लैम्डा को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 24 लैम्डा इंटू 7, फिर 3 इंटू 5 की पावर k को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 21 इंटू 5 की पावर k प्लस 35 प्लस 15 इंटू 5 की पावर k माइनस 5। अब ये दोनों टर्म्स में से हम 5 की पावर k कॉमन ले जाएंगे, यहां पर आ जाएगा 24 लैम्डा इंटू 7 माइनस 5 की पावर k कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, ये आ जाएगा 21 माइनस 15 और 35 माइनस 5 ये आ जाएगा 30। अब यहां से 21 में से 15 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 24 लैम्डा इंटू 7
माइनस 5 की पावर k इनटू 6 प्लस 30। अब इन दोनों टर्म्स में से 6 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 24 लैम्डा इनटू 7 माइनस 6 कॉमन लिया, यह आ जाएगा 5 की पावर k माइनस 5। अब ये जो 5 की पावर k माइनस 5 है, अगर यहां पर हम k की वैल्यू को 0 ले तो यह आएगा 5 की पावर 0, यहां से अगर 1 ले तो यह आ जाएगा 5 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम यहां से इसको 2 लेते हैं तो यह आ जाएगा 25 माइनस 5, दैट इज 20। और 5 की पावर 3 लेते हैं तो यह आ जाएगा 125 माइनस 5, यह आ जाएगा 120। अगर हम 0 लें तब भी यहां से आपके पास आएगा 1 माइनस 5, दैट इज -4। Now all these terms, these are divisible by 4. That means हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि now all these terms जो हमने इनकी values निकाली हैं, these are divisible by 4. That means 5 की power k minus 5 को हम 4 के multiple में लिख देंगे, इसे हम 4 इसको x ले लेते हैं, x is any scalar. इसका मतलब हुआ यहां पर हम 5 की पावर k माइनस 5 को 4x लिख लेते हैं, सो 24 लैम्डा इनटू 7 माइनस 6 इनटू 4x आ जाएगा, सो 24 लैम्डा इनटू 6 माइनस 24x, यहां से 24 कॉमन लेंगे, 7 लैम्डा माइनस x, सो दिस इज डिविजिबल बाय 24, सो दैट मींस p k plus 1 is 2, hence given statement is true for all and belongs to capital N. Next question है, statement है 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube plus subtraction n into 3 raised to power n, that is equal to 2n minus 1 into 3 की power n plus 1 plus 3 upon 4. अब हमें इसमें first step लेते हैं, for n is equal to 1 p1, यहां पर हम n की value 1 put करेंगे, 1 into 3 की power 1, that is equal to राइट साइड पर भी 2 इनटू 1 माइनस 1 इनटू 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 1 इनटू 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा इनटू ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4, सो 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 अपॉन 4, तो यहां से ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी, that means P1 is 2. Now second step है, for n is equal to k, p k लेंगे, 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 2 into 3 into 3 cube up to so on, ये value हम पर यहां आएगी k into 3 की power k, that is equal to 2k minus 1 into 3 की पावर k plus 1 plus 3 upon 4. So, यह आपका second step है. अब third step देखें इसमें. Third step है, for n is equal to k plus 1, p k plus 1 लेंगे. यह आएगा 1 into 3 plus 2 into 3 स्क्वायर प्लस 3 इनटू 3 क्यूब प्लस, यहां पर हम n की जगह पर k प्लस 1 पुट करेंगे, k प्लस 1 इनटू 3 की पावर k प्लस 1, और ये आ जाएगा यहां से जब हम 2n माइनस 1 में n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करेंगे तो यहां पर हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2k प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2k plus 1 into 3 की पावर k plus 1 plus 1 k plus 2
प्लस थ्री अपॉन फोर। अब हमें इसको प्रूव करना है। अब इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री इंटू थ्री क्यूब प्लस अप टू सो ऑन के प्लस वन इंटू थ्री की पावर के प्लस वन। ये इसकी लास्ट टर्म है। इसकी सेकेंड लास्ट टर्म होगी के इंटू थ्री की पावर के। अब यहां से ये इसकी वैल्यू हमें मिलेगी सेकेंड स्टेप से। ये वैल्यू है आपके पास इसकी राइट हैंड साइड दैट इज 2k माइनस 1 इंटू थ्री की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस k प्लस 1 इंटू थ्री की पावर k प्लस 1। अब हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम है 4। ये आ जाएगा 2k माइनस 1 इंटू थ्री की पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 को k प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से इन दोनों टर्म्स में ये दोनों की पावर क्या है 2k माइनस 1 इंटू थ्री की पावर k प्लस 1 और इधर है 4k प्लस 4 इंटू थ्री की पावर k प्लस 1। इन दोनों टर्म्स में से हम 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन लेंगे। यहां पर आएगा 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 4 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। अब यह आ जाएगा 2k प्लस 4k दैट इज इक्वल टू 6k माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। अब इस टर्म में से 3 कॉमन आएगा, यहां से 3 कॉमन आया 2k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। अब ये दोनों ये 3 और 3k प्लस 1 ये इकट्ठे होंगे तो यहां से आ जाएगा 2k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 4। सो दैट मीन्स p k प्लस 1 इज तो आपका ये राइट हैंड साइड वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है शो दैट n क्यूब प्लस n प्लस 1 क्यूब प्लस n प्लस 2 क्यूब इज डिविजिबल बाय 9 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एंड दैट बिलोंग्स टू कैपिटल। नाउ फर्स्ट स्टेप इसमें लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1। यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1 क्यूब प्लस 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 1 प्लस 2 क्यूब। यह आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 1 प्लस 8 प्लस 27 यह आ जाएगा 36। सो दिस 36 दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 दैट इज डिविजिबल बाय 9 सो दैट मींस p 1 इज 2। अब इसका सेकंड स्टेप लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू k। यहां पर n की वैल्यू k पुट कर देंगे यहां पर तो ये आ जाएगा k क्यूब प्लस k प्लस 1 क्यूब प्लस k प्लस 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू बिकॉज दिस इज डिविजिबल बाय 9 तो हम इसको लिख देंगे 9 लैम्डा। अब यहां से हम इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो आ जाएगी k प्लस 1 क्यूब प्लस k प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 9 लैम्डा माइनस k। अब इसका हम थर्ड स्टेप लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा k प्लस 1 क्यूब प्लस k प्लस 2 क्यूब प्लस k प्लस 3। अब क्योंकि हमने सेकेंड स्टेप से इस टर्म की वैल्यू निकाली है यहां पर इन दोनों टर्म्स की जगह पर हम लिख देंगे 9 लैम्डा माइनस के क्यूब तो ये आ जाएगा 9 लैम्डा माइनस के क्यूब प्लस के प्लस 3 होल क्यूब। अब यहां पर हम a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी होल क्यूब दैट इज a क्यूब
प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करेंगे, यह आ जाएगा 9 लैम्डा माइनस के क्यू प्लस के क्यू प्लस थ्री क्यू प्लस थ्री इंटू के इंटू ये आ जाएगा के प्लस थ्री। तो यहां से हम इसको लिखेंगे 9 लैम्डा माइनस के क्यू प्लस 27 प्लस 9 के इंटू के प्लस थ्री। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9 लैम्डा ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस 27 प्लस 9 के स्क्वायर प्लस 27 के। अब यहां से इन सभी टर्म्स में से 9 कॉमन फाइंड आउट हो जाएगा, 9 कॉमन लेंगे, लैम्डा प्लस 3 प्लस के स्क्वायर प्लस 3। तो दिस होल टर्म इज डिविजिबल बाय 9, सो दैट इज डिविजिबल by 9, so that means p k plus 1 is 2, hence by principle of mathematical induction given statement is true for all n belongs to capital. नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रूव बाय इंडक्शन 1 प्लस 3 अपॉन 1 इनटू 1 प्लस 5 ओवर 4 इनटू 1 प्लस 7 ओवर 9 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर। तो हम इसमें फर्स्ट स्टेप लेते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1 यहां पर हम लास्ट टर्म में वैल्यू पुट करेंगे n की, 1 प्लस 2 इनटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 1 प्लस 3 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, नाउ 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 सो 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। मतलब हमारे पास जब हमने n की वैल्यू 1 पुट की तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, दैट मींस p 1 इज। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप लेते हैं, फॉर n इज इक्वल टू k p k 1 प्लस 3 अपॉन 1 1 प्लस 5 अपॉन 4 1 प्लस 7 अपॉन 9 यहां से लास्ट टर्म जहां पर n है वहां पर हम k पुट कर देंगे अपॉन के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के प्लस 1। सो यहां पर है पी के दैट इज 2। अब हम थर्ड स्टेप लेते हैं, फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 या जाएगा पी के प्लस 1 1 प्लस 3 अपॉन 1 1 प्लस 5 अपॉन 4 1 प्लस 7 अपॉन 9 अप टू सो ऑन, जहां पर n है वहां पर हम k प्लस 1 पुट करेंगे। तो ये जो 2n प्लस 1 है इसकी वैल्यू बनेगी 2, यहां पर n की जगह k प्लस 1 हम पुट करेंगे। अब ये इसकी टर्म जो है इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 पहले k के साथ मल्टीप्लाई होगा 2k प्लस 2 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2k प्लस 3 तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, जब यहां पर हमने n को k प्लस 1 पुट किया k प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम यहां पर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे 1 प्लस 3 अपॉन 1 1 प्लस 5 अपॉन 4 1 प्लस 7 अपॉन 9 अप टू सो ऑन 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 स्क्वायर। अब ये अगर आपकी लास्ट टर्म है तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसकी सेकेंड लास्ट टर्म हमें कहां से मिलेगी,
जो सेकेंड स्टेप की लास्ट टर्म होगी। तो ये जो सेकेंड स्टेप की लास्ट टर्म है इस थर्ड स्टेप की सेकेंड लास्ट टर्म होगी। हम यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k। अब यहाँ इस सेकेंड लास्ट टर्म तक की वैल्यू हमें सेकेंड लास्ट टर्म में से सेकेंड स्टेप में से मिल जाएगी, दैट इज k प्लस 1 होल स्क्वायर 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, k प्लस 1 होल स्क्वायर, यहां से हम इसका एलसीएम लेंगे, k प्लस 1 होल स्क्वायर k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 k प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, दैट इज k प्लस 2 होल स्क्वायर। सो दैट मींस p k प्लस 1 इज। हमारा नेक्स्ट सम है, स्टेटमेंट आपके पास ये है 7 रेज टू पावर 2n प्लस 2 रेज टू पावर 3n माइनस 3 इंटू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। नाउ इसमें आपका फर्स्ट स्टेप है, फॉर n इज इक्वल टू 1 यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, 7 रेज टू पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर 1 माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर 1 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 49 प्लस 3 रेज टू पावर 0 इंटू 2 रेज टू पावर 0। अब किसी भी टर्म की पावर 0 1 होता है तो ये वैल्यू बनेगी 49 प्लस 1 दैट इज 50। दैट मीन्स दिस 50 इज divisible by 25, so that means P1 is 2. Now second step है, for n is equal to k, यहां पर values put करते हैं, 7 की power 2k plus 2 raised to power 3k minus 3 into 3 की power k minus 1. Now, this is divisible by 25, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, that is equal to 25 lambda. अब यहाँ से हम किसी भी टर्म की, इन दोनों में से किसी भी टर्म की वैल्यू निकालेंगे, जैसे ये आ जाएगा 2 की पावर 3k minus 3 into 3 की पावर k minus 1 is equal to 25 lambda minus 7 की पावर 2. अब यहाँ से हम 2 raised to power 3k minus 3 की वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये 3 की पावर k माइनस 1 जो है ये इसमें डिनोमिनेटर में नीचे चली जाएगी, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 3k माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 25 लैम्डा माइनस 7 की पावर 2k अपॉन 3 की पावर k माइनस 1। अब हम थर्ड स्टेप लेते हैं, इसमें थर्ड स्टेप में हम ये लेके चलेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, यह आ जाएगा 7 की पावर 2, ये ब्रैकेट में लिखेंगे k प्लस 1 प्लस 2 और यहां पर भी n की जगह पर ये लिखेंगे k प्लस 1 और यह आ जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, 7 इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, यह आएगा 7 की पावर 2k प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3k प्लस 3 माइनस 3 और यहां से 3 की पावर इसको k लिख देंगे। अब क्योंकि हमें सेकंड स्टेप से 2 की पावर 3k माइनस 3 की वैल्यू चाहिए तो यहां पर हम इसको लिख देंगे 7 की पावर 2k, इसको ब्रेक करके लिख देंगे 7 स्क्वायर, 7 की पावर 2k इनटू 7 स्क्वायर प्लस यहां पर इसको अरेंज करके पहले इस तरह से लिखेंगे, माइनस 3 को पहले प्लस 3 को बाद में इनटू 3 की पावर k। अब इनको अलग अलग करके लिखते हैं, 7 की पावर 2k 7 स्क्वायर ये हो जाएगा 49 प्लस 2 की पावर 3k माइनस 3 और ये 2 का क्यूब इनटू 3 की पावर 3। अब यहां से हम
इस टर्म की जगह पर ये वैल्यू सेकंड स्टेप में से है वो यूज करेंगे। तो हम इसमें लिख देते हैं 7 की पावर 2k इंटू 49 प्लस ये 25 लैम्डा माइनस 7 की पावर 2k अपॉन 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 8 इंटू 3 की पावर k। अब जैसे इसमें होता है x की पावर a अपॉन x की पावर b, ये हो जाता है x की a माइनस b। इसका मतलब जब ये दोनों टर्म्स को कलेक्टिवली हम इस तरह से लिख देंगे 3 की पावर k अपॉन 3 की पावर k माइनस 1, इसको इस तरह से लिखेंगे k माइनस k प्लस 1, तो ये आ जाएगा सिर्फ 3 के बराबर। तो यहां पर हम लिख देंगे इन दोनों टर्म्स की जगह पर 7 की पावर 2k इंटू 49 प्लस 25 लैम्डा माइनस 7 की पावर 2k इंटू 8 इंटू, इन दोनों के साथ कलेक्टिवली जब हम इनको सॉल्व करेंगे ये इंटू 3 आकर आ जाएगा। अब 8 इंटू 3 ये 24 लिख देंगे, 7 की पावर 2k इंटू 49 प्लस 25 लैम्डा माइनस 7 की पावर 2k इंटू 24। अब इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 की पावर 2k इंटू 49 प्लस 25 लैम्डा इंटू 24 माइनस 7 की पावर 2k इंटू 24। अब इन दोनों टर्म्स में से यहां से हम 7 की पावर 2k कॉमन निकाल देंगे, तो यहां से ये आ जाएगा 49 माइनस 24 प्लस 25 लैम्डा इंटू 24। अब यहां से जब ये 49 माइनस 25 किया तो ये आ जाएगा इंटू 25 प्लस 25 लैम्डा इंटू 24। इन दोनों टर्म्स में से 25 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 की पावर 2k प्लस 24 लैम्डा। दैट मींस दिस टर्म 25 का ये मल्टीपल है, सो दिस इज डिविजिबल बाय 25। तो ये है, दैट इज डिविजिबल बाय 25। So that means P K plus 1 is